हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ बहेरिया शिव जी के मंदिर। तो ये मंदिर है मकरोनिया से बन्ना रोड पर। ये सागर शहर का प्रसिद्ध मंदिर है। मैंने सोचा क्यों नहीं आज आप लोगों को दर्शन कराऊं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मंदिर है जो 2001 में इस मंदिर की नींव खुदी थी और 2009 में भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापना हुई थी। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों, ये हम लोग गेट की एंट्री हो चुकी है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, कितना सुंदर गार्डन है, कितनी सुंदर हरियाली है। तो दोस्तों, आपको मैं एक सबसे अच्छी बात बता दूं, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है 12। मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगी। गुफा है शिव जी के नीचे से, गुफा है। तो पहले तो मैं आपको शिव जी के दर्शन करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ज्योतिर्लिंग भी दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप शंकर जी के दर्शन करिए पहले तो। कितनी प्यारी मूर्ति दिख रही है ना, बिल्कुल आराम से दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, जो आप शंकर जी के पीछे पर्वत देख रहे हो ना, ये हाथों से बनाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है देख के जैसे पूरा प्राकृतिक हो, है ना। आप देखिए, और आज तो मौसम भी कितना अच्छा है। देखिए आप, बादल कितने प्यारे दिख रहे हैं शिव जी के पीछे। और दोस्तों, ये जो शंकर जी है, शंकर जी के पीछे जो पर्वत है, पर्वत के नीचे गुफा है। मैं अभी आपको वहां भी लेके चलती हूँ। और शंकर जी के जस्ट नीचे यहाँ शिव जी का एक मंदिर है, मैं वहां के भी आपको दर्शन करवाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बाई तरफ से गुफा में जाने का रास्ता है, जो कि दिख रहा है ना, ये देखो बाजू में बाई तरफ से। तो मैं आपको अब गुफा में लेके चलती हूँ, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये क्या बात हुई, बच्चा इतना मेहनत कर रहा है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी को दर्शन कराइएगा। जय जय शंभु, ओम नमः शिवाय। चलो चलते हैं अंदर। ये देखिए दोस्तों, आप लोग ये ऊपर, ये पूरा हाथ से बनाया गया है, ये गुफा है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी विराजमान है। तो मैं आपको कराती हूँ दर्शन। ये आप पढ़ ही सकते हैं, श्री सोमनाथ जी हैं। ओम नमः शिवाय। आंध्र प्रदेश। ये हैं श्री महाकालेश्वर उज्जैन। ओम नमः शिवाय। ये श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर मध्य प्रदेश। तो देखो, ये पूरे गुफा के चारों तरफ है और यहाँ पे फुल व्यवस्था करवाई गई है। यहाँ पे कोई सपोकेशन भी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एसी भी लगी हुई है। ये देखो, यहाँ पे आके लोगों को मतलब ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाहर जा ही ना, क्योंकि यहाँ पे ठंडक इतनी है ना। एक तो गुफा है, गुफा में ठंडक रहती है और ऊपर से एसी। तो अब आते हैं अपन बैजनाथम झारखंड। ये है श्री भीम शंकरम पुणे महाराष्ट्र। ये है श्री अमरनाथ, ये है श्री अमरनाथ कश्मीर। इनको बर्फानी बाबा भी बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ से बनते हैं। और ये है श्री रामेश्वरम तमिलनाडु। ये गुफा में ये ज्योतिर्लिंग है सारे, और अंदर यहाँ से आते हैं, ये अंदर मंदिर भी है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको, आपको भी घूमने के लिए आना है। मुझे तो आज भोले जी की कृपा हो गई कि उनके दर्शन के लिए आ गई मैं। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नंदी जी। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि नंदी जी के कान में से जो भी अपन मन्नत मांगो वो पूरी होती है।
तो मैंने तो मन मांग ली है, लेकिन वो सीक्रेट है, वो आपको नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, जो आधे ज्योतिर्लिंग उस साइड थे और आधे इस साइड थे, बीच में मंदिर था, तो अब मेरे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट जो ज्योतिर्लिंग है वो श्री नागेश्वरम गुजरात। जय हो भगवान जी, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये है श्री विश्वनाथ वाराणसी यूपी, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, श्री केदारेश्वर उत्तरांचल। लास्ट ज्योतिर्लिंग है जो श्री ये दोस्तों बोल दी नहीं, वरना आप पढ़ लीजिए, महाराष्ट्र में है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय बोलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यहाँ से ये आपको बाहर निकलना है, एग्जिट, ये निकासी गेट है। गुफा में ऊपर हनुमान जी की मूर्ति भी बनी हुई है। तो दोस्तों बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने अच्छे से दर्शन हो गए हैं उसी के लिए। दोस्तों, आप यहाँ की व्यवस्था देख ही रहे हो, रेलिंग लगाई गई है, वहां जाने के लिए भी रेलिंग लगी हुई है, जो कि मैं अभी गई थी तो आपने देखी होगी। और ये बाहर निकलने के लिए रेलिंग लगी हुई है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ प्रसाद के लिए भी मतलब व्यवस्था की गई है, कि लोगों इधर उधर भिड़े ना, इनसे उनसे आराम से प्रसाद ले सके। तो दोस्तों, मैं ले रही हूँ प्रसाद, आपको अगर खाना है तो आप आ जाइए मेरे साथ। दोस्तों, इस मंदिर के बाहर एक सबसे अच्छी व्यवस्था लगी है मुझे ये, मतलब यहाँ पे तो सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, पीने का पानी भी इधर उधर मतलब जगह जगह है, लेकिन यहाँ पे जो जूता चप्पल की व्यवस्था रखने की, यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। ये अंकल जी लेते हैं खुद से जूता चप्पल उठा के, और खुद से उठा के हाथ से देते हैं, ताकि घुमे ना। तो दोस्तों, दर्शन बहुत अच्छे से हो ही चुके हैं, है ना, आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और दोस्तों, सागर में आपको कहाँ, मतलब आपको कौन सी जगह पसंद है, मैं कहाँ का ब्लॉग बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मैं वहीं का ब्लॉग बनाऊंगी। ये ब्लॉग अपन अब यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।